चलो बाहर ये रहेगी नहीं ना। नाम बता बेटा। नाम विजय। हाँ विजय। विजय विजय पिता का नाम बोल। मोतीराम। मोतीराम। दादा का नाम देवराम। देवराम जी। स्थान ग्राम गोली। ग्राम गोली। गोली टीरी पौड़ी। टीरी। बेटा घर में भैरव भगवती है। जी माँ है। शक्ति चल रही है सेवा का मैं लेके। सेवा कहाँ है बेटा? हैं? शक्तियों की सेवा करो बेटा तभी कार्य बनेंगे अच्छे से। करता नहीं मेरी पूजा। नहीं करते, नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। पता नहीं कहाँ चला गया, बोलते रहते। क्योंकि शक्तियां घर में है और जब तक नहीं मानोगे तो यही शक्ति तो बाबू ऐसा है ना फिर पलटा करेगी। तुम्हारे कार्य सारे रुक रहे हैं, दिक्कत परेशानी चल रही है। समझ रहे हो ना क्यों चल रही है? सारा घेरा हो शक्ति का है। क्यों नहीं मानते बेटा? विश्वास करो। या तो घर में ना हो शक्ति, घर में तो जागृत शक्तियां हैं। कंसील बंद कर देता नीचे। मैं तो मानता हूं। और कैसे मानता है? तो धूपबत्ती करता हूं और दिया जलाता हूं और पाठ करता हूं। घरवाली? घरवाली नहीं मानती। जब तक तू नहीं मानेगी तो कैसे शक्तियां लेंगी? क्योंकि तू तो बाबू कुलवधू है ना, तो घर की जो लक्ष्मी मानेगी तब जाके तेरी सेवा से ही उसका आगे भविष्य बनेगा। और तू सेवा नहीं करेगी तो उसकी सेवा से वो तुझे लगेगा तू ठीक चलेगी, लेकिन वो ठीक तब चलेगा जब तू करेगी। समझिए ना। सबके छोटा वाला भाई उसके भी कमर में दर्द रहता है कभी कभी। दिक्कत है वो मैंने देख ली। जी जी माँ, वो तो मेरे शादी से पहले से बताता था कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है छोटा वाला। यहाँ तो ना बाबू इनके घर ये तो भैरव रुष्ट चल रहा है ना। भैरव रुष्ट चल रहा है। भैरव रुष्ट चल रहा है माँ। मतलब 2017 में इन्होंने गांव में मंडार लगाते ना, मम्मी भी आता मेरे माँ मेरे बहन। तो 2017 में लगाया था माँ, अभी तक उन्होंने लगाया भी नहीं। भैरव का ना? जी माँ। जी माँ। तो भैरव तो रुष चल ही रहा है। भैरव को मनाओ भाई, ठीक है? जी माँ। बता दूंगी क्या करना है वो करो। और दूसरा नित्य सुबह शाम बेटा तू लगाएगी, पति तो करेगा ही करेगा लेकिन तुझे भी दीवा ज्योत लगानी जरूरी है। भोग प्रसाद बना, ठीक है? महीने में एक बार कढ़ाई रोट काट, भैरों के मीठे रोट काटना शुरू कर। कष्ट से मां मैं ध्यानी होके मैं काटती हूं। अब तो तुम क्यों नहीं काटती? मैं ध्यानी होके काटती हूं। तो तभी तो बाबू तेरे कहां कार्य रुक रहे हैं। जी मां जी। है ना, सब जी। बनेंगे और बनते चले जाएंगे। तो बेटा तुम अगर कोई चीज बता शक्ति बता रही तो करना पड़ेगा बाबू, ठीक है? जैसे जैसे रोट कटते रहेंगे तेरे भैरों के नाम के, रविवार को काट चाहे बुधवार को काट या शनिवार को काट, भैरव के नाम के अगर रोड काट। और हर शनिवार अभी कोशिश कर, अगर तरक्की चाहिए अपने चीजें कष्ट अपने शरीर से कष्ट कम करने तो पान और दो बूंद के लड्डू तो नित्य दे अभी शनिवार लगातार। और माँ भी चिड़चिड़ी रहती मेरी मम्मी रहेगी ना बेटा, शक्ति है चिड़चिड़ी रहती माँ। तो शक्ति है ना बेटा, मतलब भाई से मतलब ज्यादा मतलब वो इसलिए रहती है बेटा क्योंकि जब भैरव ही रुष्ट है तो वो कहीं ना कहीं बड़े पे तो रह के नफरत तो पैदा होगी। तो भी शक्तियां शांत तभी तो रहेंगी, नहीं तो अशांति घर में रहेगी। क्योंकि अभी तो भैरव ही रुष्ट है और वो आगे किसी चीज को आगे नहीं आने दे रहा। और इसको नहीं मनाओगे तो कोई सुख नहीं पा सकते। जी मां जी। भूल जाओ, कर्जे के नीचे दबते चले जाओगे अब। समझ रहे हो? ये 2.5 साल तुम्हारे बड़े खराब चले जाएंगे बेटा आने वाले। अगर तुमने भैरव भगवती को नहीं मनाया तो 2.5 साल तुम अपना देख लेना कितने कर्जे के नीचे। भगवती कौन है माँ? भगवती कौन चल रही है? भगवती भैरव के साथ काली चल रही है दुर्गे रूप में। अच्छा काली चल रही है। हाँ माँ, हमारी कुलदेवी हमें पता ही नहीं कौन है माँ। काली है बेटा, भैरव जहाँ चलता है उसके साथ पहले काली है। काली और भैरव संग संग चलते हैं। माँ जैसे मतलब ये जैसे मेरे पापा उनके दादाजी और थे ना, मतलब 9 भाई थे माँ, तो पूरी कुल की चलेगी माँ ये। ये बेटा ये तो पिता है जी, पिता से चली चीज पीछे से चली शक्ति है, ये कोई अब की थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा। तो वही बच्चा बेटे बहू है इनसे चली, इनके बच्चों में चलेगी। अच्छा अच्छा।
ठीक है ना जी, जी, तो दीक्षा ध्यानी तेरे पास भी तो वही चीज है। हाँ ना माँ वो तो है। तो फिर तो जब तेरे पास आ गए तो उनके पास वो तो वहाँ के वंश है जी माँ, तो उनके पास तो चलेगी चलेगी, समझ गई। और इनपे कृपा ही तभी होगी जब ये मान के अपना चीजों को सही करेगी। बाबू नहीं मानेगी तो परेशान हो जाएगी। 2.5 साल जो अभी है भी ना वो भी चला जाएगा। 2.5 साल तो चेतावनी दे दी है, विश्वास करेगी तो तेरे सारे काम सिद्ध होंगे। और यही भगवती और यही भैरव करेगा। नहीं विश्वास करती और बोलेगी अरे कुछ नहीं होता सब ढोंग है, तो अपनी समस्याएं को बढ़ाते चले जाओ। मान लीजिए कुल देवी हमारी मतलब पापा और दो भाई है, वैसे तो 9 है माँ सूर्य भारे में सारे, तो ये पूरे की है माँ कुल देवी या? तुम्हें कुल देवी पूरे उसकी एक ही होती है, चाहे 50 भाई है जी जी जी, है ना जी। लेकिन कुल देवी अलग घर में एक नहीं, अलग अलग नहीं होती। हाँ जी। जब सब चाचा ताऊ का दादा तो एक ही रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हीं की तो औलाद है, तो कुल देवी पूरे परिवार की कुटुंब।